खंडवा जिले के पंधाना विकासखंड के ग्राम बड़ोदा अहिर में आज सुबह एक तेंदुए ने अचानक हमला कर दो ग्रामीणों को घायल कर दिया। घायलों को उपचार हेतु पंधाना चिकित्सालय में भर्ती किया गया। वन विभाग के SDO चंदू सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना आज सुबह 7 बजे के करीब हुई। जब तेंदुआ एक पुलिया के नीचे दिखा, कौतूहलवश ग्रामीण उस तरफ गए तो तेंदुआ अचानक हरकत में आया और दो लोगों को घायल करता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। ग्रामीणों पर हमले के बाद तेंदुआ झाड़ियों में जा छिपा। झाड़ियों के आसपास ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। तेंदुए के गांव में होने की जानकारी मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पिंजरा लेकर पहुंची। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने झाड़ियों में छिपे तेंदुए को बाहर निकालने के लिए झाड़ियों के पास जाल बिछाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से झाड़ियों में पानी की बौछार की। इस बीच इंदौर से रेस्क्यू टीम भी आ गई, जिसने ट्रैंक्विलाइजर गन से तेंदुए को घायल कर अपने काबू में लिया, जिसे पिंजरे में बंद कर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। वन विभाग की पकड़ में आया तेंदुआ 5 से 6 वर्ष की उम्र का बताया जा रहा है। तेंदुए के हमले से ग्राम बरदाहिर के गोविंद पिता मांगीलाल और मोहन पिता परा भी घायल हो गए थे। कहाँ रहते हो आप? बरोदा। अच्छा, आप ये घायल कैसे हो गए? घायल उधर से जानवर आया चीता, तो वो पूल के साइड में कोठी है उसके अंदर वो बैठा था और मैं जा रहा था बच्चों को लेने। उधर से जानवर आया, बच्चों को लेने आ रहा था, मैं नदी में उतरा तो झट मेरे को पकड़ लिए। आपके ऊपर हमला कर? हाँ, हमला पकड़ लिया और मेरे को ऊपर हमला करके और वापस घुस गया। और वापस घुस के फिर दूसरे के ऊपर वो हमला करा उसने। पीछे कहाँ पंजा मार, मतलब आगे आपको कहाँ लगी है? आगे पंजा मारा और पीछे मुंह लगाया था दांत गाड़ी। NP News Network की रिपोर्ट।